दक्षिण भारत में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सियासी ताप अब भी कम नहीं हो रहा है। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद और जेडीएस से निष्कासित नेता प्रज्वल रेवन्ना पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद कर्नाटक की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। बता दें कि 27 अप्रैल को रेवन्ना विदेश चले गए थे। ठीक एक महीने बाद प्रज्वल रेवन्ना का कहना है कि वो 31 मई को सुबह 10 बजे मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने पेश होंगे। रेवन्ना ने कहा, मैं 31 मई की सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से एसआईटी के सामने पेश हो जाऊंगा। मैं जांच में एसआईटी की मदद करूंगा और खुद पर लगे आरोपों का जवाब दूंगा। मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है और मैं मुझ पर लगे झूठे आरोपों का जवाब दूंगा। हासन सांसद के अनुसार उन्हें भगवान, अपने समर्थकों और अपने परिवार की दुआओं पर पूरा भरोसा है। प्रज्वल ने कहा, मुझ पर भरोसा रखें, मैं एसआईटी के सामने पेश होकर इस मामले को समाप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि प्रज्वल के स्वदेश लौटने को लेकर उनके परिवार के इस मामले पर जद या निलंबित पार्टी सांसद के परिवार की ओर से तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई है। बता दें, प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं। उन पर कई महिलाओं से यौन शोषण का आरोप है। वो हासन लोकसभा सीट से NDA के प्रत्याशी भी हैं। हासन लोकसभा क्षेत्र में मतदान के ठीक एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल जर्मनी चले गए थे। CBI ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। एजेंसी के द्वारा प्रज्वल के ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। यौन शोषण और दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत ने हासन सांसद के खिलाफ 18 मई को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। अब ऐसे में देखना यह है कि आने वाले समय में प्रज्वल पर सरकार और प्रशासन का क्या रुख रहता है। अगर यौन उत्पीड़न के मामले में वो दोषी साबित होते हैं तो उन्हें कितने साल की सजा होती है।